हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक टू द चैनल। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लास्ट लेक्चर लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वन का, और ये लास्ट बिल्कुल लेक्चर है, लास्ट लेक्चर मैं यहाँ पर ऐड कर दे रहा हूँ। और इस लास्ट लेक्चर में होगा क्या, आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे मैं थोड़ा बात करूंगा, ठीक है, और जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बच्चे बहुत डरते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है। बट 100% मैं बताता हूँ कि आज आप लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में कुछ नए नए कॉन्सेप्ट रिलाइज होगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज होती कैसे है। देखिए, जो एक्सरसाइज होती है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड पे होती है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, इसका डीपली नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो, उसके कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली नॉलेज है, ठीक है, तो इजिली आप क्या कर सकते हो, उस फॉर्मूले को क्रैक कर सकते हो। आप उस फॉर्मूले से जो बेस्ड न्यूमेरिकल है उसको भी क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। होता क्या कि जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे होता क्या है कि कुछ प्रॉब्लम आपको इस तरीके से मिलते हैं कि जो बिल्कुल फार्मूला ड्राइव करने के लिए बोल देता है। उसमें क्या बोलता है कि सीधे आप फार्मूला ही गेट करो। तो उस फार्मूले को आप तभी पा सकते हो स्टूडेंट, जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो भी कैसे, डीपली कॉन्सेप्ट के साथ। डीपली नॉलेज होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जब आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में आपको डीपली नॉलेज हो जाएगा तो मैं 100% कहता हूं, चाहे वो फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो भी आप ड्राइव कर सकते हैं, वो भी फार्मूला आप लेकर आ सकते हैं। कितना बड़ा सा बड़ा न्यूमेरिकल क्यों ना हो, आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब आज मैं टेक्निक आपको बताऊंगा इस लेक्चर में कि एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स को कैसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, आपको यहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन दिखेगा, आपको यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और नीचे क्या रहेगा, सोल्यूशन, यानी कि मैं यहां से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इतने के बीच में, और ऊपर आपको क्या होगा, क्वेश्चन दिख जाएगा। जब मैं क्वेश्चन को रीड आउट करूंगा, मैं यहां से क्या हो जाऊंगा, हट जाऊंगा, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को फिल करना चाहते हैं और डीपली नॉलेज लेना चाहते हैं, और आपको फिजिक्स में गुड मार्क्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारा फिजिक्स में क्या है, गुड मार्क्स आए, एक अच्छा मार्क्स अचीव करना चाहते हैं, तो प्लीज इस चैनल पर बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जो बेल बना होगा उसको क्लिक कर देंगे, जैसे दबा देंगे प्रेस करने पर, आपको जितना भी वीडियो मिलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता जाएगा, ठीक है। और इस चैनल पर हमारे लगातार वीडियो अपलोड हो रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ऐसा भी कोई वीडियो, चाहे वो संडे हो चाहे वो मंडे हो, मैं डेली एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जो आपके लिए एक्चुअली में बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। और आप लोग क्या किया करें, कमेंट बॉक्स में थोड़ा सुझाव भी दिया करिए कि हम कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। सो ठीक है, सो लेट स्टार्ट द क्लास। एंड अगर आपने क्या किया कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके, और उसको शेयर करिए अपने फ्रेंड के बीच, कोई भी हो, जो भी रिलेशन में हो, स्टूडेंट्स हो, सिस्टर हो, कोई भी हो या स्टूडेंट हो, जो भी है, सबके पास क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए, और अपना सुझाव दीजिए, अपना सजेशन बताइए कि क्या मैं इंप्रूवमेंट ला सकता हूँ, क्या कमी रह गई है, ठीक है, अब इसमें, ओके। सो लेट स्टार्ट द क्लास एंड सॉल्व टू एनसीईआरटी क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, मैं क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पे है, इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं, फिर उसके बाद आप देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग चार्जेस ऑफ 2×10⁻⁷ कूलम एंड 3×10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज यहां पे, एक चार्ज यहां पे, तो इसका जो वैल्यू है वो 2×10⁻⁷ कूलम है, और एक यहां पे जो चार्ज है वो कितना है, 3×10⁻⁷ कूलम, और इनके बीच का जो सेपरेशन हुआ है वो 30 सेंटीमीटर पे हुआ है,
कितने सेंटीमीटर पे, 30 सेंटीमीटर पे, और ये कहां रिप्लेस हुए हैं, एयर में। तो कह रहा है कि इनके बीच बताओ फोर्स क्या होगा, इनके बीच स्टूडेंट पूछ रहा है फोर्स क्या होगा। अगेन रिपीट टू क्वेश्चन, गिवन टू चार्ज फर्स्ट दिस एंड सेकेंड दिस, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 30 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है कि फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और ये चार्ज कहां पे है, एयर में है। ये बहुत इजी हो जाता है स्टूडेंट, आपको फॉर्मूला पता है, आपको फॉर्मूला हमारा होता है एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स फॉर्मूला यूज करिए और इसका आप सोल्यूशन गेट कर सकते हैं। तो मैं यहां पर सोल्यूशन करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। सो एफ इक्वल टू एफ इक्वल टू टू के की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, के की वैल्यू कितना होता है अगर एयर लिया जाए, सो 9 × 10⁻⁹, के की जो वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹, और क्यू वन क्यू टू इनका मल्टीप्लाई 2 × 3 = 6 और 10⁻⁷, 10⁻⁷, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ अपॉन आर स्क्वायर। अब ये बताओ आर इक्वल टू कितना है, 30 सेंटीमीटर। तो अगर इसको आप मीटर में चेंज करना चाहते हैं, अगर इसको आप किस में चेंज करना चाहते हैं, मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 3 × 30 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, तो कैंसिल। सो हमारा आर इक्वल टू कितना आएगा, 0.3 मीटर, यानी कि 3 × 10⁻¹ मीटर, तो ये हमारा आर हो गया। तो आर की वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दीजिए 3 × 10⁻¹ होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही ना, मैंने क्या किया, Q1 की वैल्यू रिप्लेस कर दिया और Q2 का, और R कितना है हमारा 3 × 10⁻¹ मीटर। अब बच्चों जब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका कैलकुलेशन आपको करना जानते हैं, हमें जानते हैं कि आप लोगों को क्या होता है, इसका कैलकुलेशन करना आता है। तो इसका कैलकुलेशन करने पर आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन। स्टूडेंट इसका जो सोल्यूशन आएगा 6 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, कि अगर आपको कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है, सो यू कैन कमेंट, आप कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। ओके जन, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है एनसीईआरटी का। तो फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन था, दो आपके पास स्फीयर है, एक यहाँ पे चार्ज, एक यहाँ पे चार्ज, उनके बीच का आर डिस्टेंस था, पूछा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा। तो मैंने फार्मूला क्या अप्लाई कर दिया, एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, की वैल्यू रख दिया कितना 9 × 10⁻⁹, क्यू वन का वैल्यू कितना है ये, और क्यू टू वाली दोनों का मल्टीप्लाई देखो यहाँ पे दिया है, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6 × 10⁻⁷ यहाँ पे, 10⁻⁷ यहाँ पे, तो कितना होगा 10⁻⁴, और आर की वैल्यू कितना गिवन ये मैंने निकाला, ठीक है। सेंटीमीटर में तो किसमें चेंज कर दिया, मीटर में, तो यहाँ पे रखने के बाद आपका वैल्यू आ गया 6 × 10⁻³ न्यूटन। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड सॉल्व दैट। ओके, सो नोट डाउन, ओके, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 μC ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 μC इन एयर इज 0.2 न्यूटन। ओके, क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपके पास दो चार्ज है, आपके पास दो चार्ज है, क्यू वन इक्वल टू -0.4 μC। ओके, सो हियर वी कैन चेंज 0.4 × 10⁻⁶, माइनस साइन लगा दीजिए यहां पे। क्यू टू गिवन -0.8 μC, तो ये क्या हो जाएगा -0.8 × 10⁻⁶ कूलम्स। इनके बीच जो फोर्स एक्ट हो रहा है एफ इक्वल टू, वो है 2.0 न्यूटन। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्ज, यानी कि आपके जो दोनों चार्ज हैं, यानी कि आपके जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच का सेपरेशन क्या होगा। ओके, क्या होगा, तो और सेकंड कह रहा है, सेकंड कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट ये, व्हाट इज द फोर्स ऑन सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट, यानी कि आपसे पूछ रहा है कि फोर्स सेकंड स्फीयर पे कितना होगा ड्यू टू फर्स्ट, और ये क्या दिया है एफ वन टू, तो सॉरी यहां पे जो दिया है फोर्स वो 0.2 न्यूटन।
तो वैसे आप इजिली आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट f1 टू गिवन है, फोर्स गिवन है, दोनों चार्ज गिवन है, r आपसे पूछ रहा है, तो f इक्वल टू फार्मूला हमारा होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स यहां पे रख सकते हैं 0.2, सॉरी आर स्क्वायर पूछ रहा है, अपन इसको एक ही तरफ कर दो, आर स्क्वायर को एक ही तरफ कर सकते हैं, यहां पर नहीं भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, मैं कर दे रहा हूं आर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन यफ। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू के कितना है 9 × 10⁻¹। चार्ज गिवन कितना गिवन है 0.4 × 10⁻⁶, 0.4 × 10⁻¹। क्यू टू कितना गिवन है 0.8 × 10⁻¹, 0.8 × 10⁻¹। इतनी बात समझ में आ गया, मैंने क्या किया आर स्क्वायर को यहां पे लेकर आया और यफ को यहां पे कर दिया, ये हो गया अपान यफ, अपान यफ, यफ कितना है 0.2। तो फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि आप यहां पे करना है कैलकुलेशन, आपको यहां पे क्या करना है स्टूडेंट, कैलकुलेशन करना है, तो आर स्क्वायर की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, आर स्क्वायर की क्या आएगी कुछ ना कुछ एक वैल्यू आएगी, और वो वैल्यू कितना आएगा वो मैं आपको बता रहा हूं, जो यहां पे वैल्यू आएगा स्टूडेंट वो आएगा 144 × 10⁻⁴, ये हो गया। सो आर कट हो जाएगा 12 × 10⁻², यानी कि आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो हमारा आंसर है डिस्टेंस उनके बीच का वो कितना है 12 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब क्या करना है, पूछ रहा है कि यफ टू वन, अच्छा आपको एक बात पता है कि वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ से क्या पता चल रहा था कि यफ वन टू जो होता है वो माइनस यफ टू वन होता है, तो यफ वन टू तो हमारा गिवन है 0.2, 0.2 इज इक्वल टू माइनस यफ टू वन। तो अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन की बात ना किया जाए, तो भी कितना होगा 0.2 न्यूटन, ठीक है। यानी कि जितना चार्ज जितना फोर्स ये चार्ज इस पे लगाता है, ये भी क्या करता है उस पर, उतना ही फोर्स लगता है, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होता है। यहां पर देखो नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो आई थिंक मुझे समझ में आया होगा, ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा मुझे क्या समझना है। दो चार्ज गिवन था, फोर्स भी गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके निकाल दिया, और यह टू वन क्या होगा उसी की इक्वल हो जाएगा वाई, बिकॉज द लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, जब आप लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन को अप्लाई करोगे तो 100% आप पाओगे जितना फोर्स फर्स्ट पे सेकंड लगा रहा था, सेकंड पे क्या करेगा फर्स्ट भी उतना ही लगाएगा, बस होता क्या उनका डायरेक्शन अगेनिस्ट हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, उल्टा हो जाता है, अगर इधर था ये क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा, ठीक है। सो ओके, नोट डाउन एंड सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन, चेक दैट द रेशियो के स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी इज डायमेंशनल लेस, लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द रेशियो, व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको प्रूव दैट करना है कि के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई एम पी ये क्या है, डायमेंशनल लेस है। पहला थिंग ये है, सेकंड थिंग ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, और अगला थिंग ये करना है कि इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आता है, इससे क्या इंफॉर्मेशन निकल के आता है, ठीक है स्टूडेंट। मैं क्या कर रहा हूं, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर रहा हूं। देखिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है और क्या प्रोटॉन है,
उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगा। देखो एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है प्रोटॉन है, तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, एफ इक्वल टू के इस पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इसपे भी क्या होगा उतना ही होगा, इनके बीच का सेपरेशन आर, ठीक क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया वो कितना हो गया के ए स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल जी अमोनियम टू अपान आर स्क्वायर, एक बार इलेक्ट्रॉन का और एक बार प्रोटॉन का, सो कैपिटल जी यमी एमपी अपान आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आया होगा कि ये इलेक्ट्रॉन है ये क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स, ये क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि चार्ज के बीच की इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, दोनों फोर्स लगते हैं। अब इनका रेशियो कर दो एफ अपॉन एफ जी आर स्क्वायर खत्म, तो क्या हो गया के स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी। अच्छा ये भी फोर्स है, देखो ये भी फोर्स है और ये भी क्या फोर्स है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, इतना बात तो पता चल गया भाई, फोर्स ये भी है और फोर्स ये भी है तो दोनों का डायमेंशन तो सेम है, डायमेंशन तो कट जाएगा ना, तो कोई डायमेंशन फार्मूला होगा, योर आंसर इज नो। सो मींस क्लियर हो गया, क्लियर क्या हुआ कि के ई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी एम ई इंटू एम पी इज व्हाट डायमेंशन लेस, ये क्या है डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या कर दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक बार ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइड कर दिया, तो इस पता चल रहा कि ये फोर्स ये भी क्या है फोर्स है, तो कैंसिल तो हो ही जाएगा ना, कैंसिल तो हो ही जाएगा, तो इससे क्लियर पता चल रहा है कि दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो ये क्या हो गया डायमेंशन लेस हो गया। तो इसका सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट की, तो आपको कुछ करना नहीं है, कैपिटल के की वैल्यू रखना है 9×10⁻¹, स्मॉल चार्ज होता है 1.6×10⁻¹⁹, वो पुट कर दीजिए, कैपिटल जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो भी आपको पता है 6.67×10⁻¹⁰ होता है, जिसके बारे में कैवेंडिश ने बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है मास ऑफ प्रोटॉन, उसको सॉल्व कर दीजिए आंसर आ जाएगा। अच्छा थर्ड क्या कह रहा है, इससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है, थोड़ा मैं थर्ड की बात कर लेता हूं, जो थर्ड है उससे क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है थोड़ा हम आज इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं हम, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल के ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल जे एम ई इंटू एम पी इंटू व्हाट ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां से क्या पता चल रहा है कि जो एफ ई वो एफ जी से ग्रेटर है, एफ ई क्या है एफ जी से क्या है ग्रेटर है, ठीक है। तो पता चल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन वन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, और कितना टाइम होता है 10^39 टाइम, कितना टाइम क्या होता है ग्रेटर होता है। एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है, वो क्या होता है उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है बात समझ में आया होगा, ओके। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मैं उसको बता दे रहा हूं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज, कह रहा है कि चार्ज हमारा जो होता है बॉडी का वो क्वांटाइज होता है, चार्ज जो है हमारा क्या है क्वांटाइज है। इसका मतलब क्या है, जिसको मैंने लेक्चर में समझा दिया है कि किसी बॉडी में जो चार्ज हो सकता है वो स्मॉली का मल्टीपल हो सकता है, इसको मैंने समझा दिया था, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज इज क्वांटाइज, इसको मैंने समझाया था कि चार्ज इज क्वांटाइज का मतलब क्या होगा, इसमें आपको बताया गया होगा चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में, चार्ज हमारा कंजर्वेटिव होता है, चार्ज हमारा क्या एडिटिव होता है, चार्ज हमारा क्या होता है क्वांटाइज होता है, चार्ज होता है हमारा मास से लिंक्ड होता है, ये सब कॉन्सेप्ट मैंने बताया था तो वहां पर सीख लीजिएगा, ठीक है। इसका सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, Why can one ignore quantization of electric charge when dealing with
माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल चार्ज। करें कि जब हम एक माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना के बारे में बात करते हैं, कह रहा है कि जब आप एक माइक्रोस्कोपिक फेनोमेना के बारे में बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है उसके क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को हम क्यों इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। देखिए जो होता है क्यू इक्वल टू एनी फॉर्मूला, बहुत ध्यान समझिएगा, जो क्यू इक्वल टू एनी फॉर्मूला होता है ये क्या है, यहां पे स्मॉल ही जो होता है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, ठीक है, और एन इज वेरी लार्ज, सो क्यू बिहेव्स एज इफ इट इज वेरी वेयर कॉन्टिन्यूसली एज इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली। अगर हम एक बहुत ज्यादा चार्ज की बात कर दें तो मैं पढ़ दे रहा हूं उसको, वाइल डीलिंग द माइक्रोस्कोपिक चार्ज, वाइल डीलिंग द माइक्रोस्कोपिक चार्ज क्यू इक्वल टू एनी, वी कैन इग्नोर क्वांटिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वी कैन इग्नोर क्वांटिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज बिकॉज, हम इग्नोर क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि स्मॉल जी होता, जो स्मॉल ही होता है वो बहुत स्मॉल होता है और एन इज वेरी लार्ज, और जो एन होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सो क्यू बिहेव एज इफ इट इज वेरी कॉन्टिन्यूअस, दैट इज एज इफ अ लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इज फॉलोइंग कॉन्टिन्यूसली, इसलिए हम इग्नोर करते हैं स्टूडेंट कि जो हमारा स्मॉल ही होता है वो बहुत स्मॉल होता है और जो हमारा स्मॉल होता है उसकी वैल्यू बहुत बड़ा होता है, तो जो क्यू होता है उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस मिल जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं क्वांटिटेशन प्रिंसिपल को हम इग्नोर कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज द, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन की बेन, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विथ अ सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ, अ सिमिलर फेनोमेना इज ऑब्जर्व विथ मेनी अदर पेयर्स ऑफ बॉडी, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो मैं आपको बताता हूं कि जो ग्लास रॉड होता है, ग्लास रॉड यहां पे क्या है, सिल्क है, इसको जब रब करते हैं तो दोनों के पास क्या होता है, चार्ज गेन होता है। अच्छा मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले यहां पे चार्ज कितना है, क्यू वन जीरो है, यहां पे क्यू टू कितना चार्ज है, जीरो, तो अभी यहां पे करंटली क्यू का कितना हो जाएगा, क्यू वन प्लस क्यू टू जीरो आ गया, बिकॉज न्यूट्रल था यार। तो अच्छा आफ्टर रबिंग क्या हो जाता है, जब आप रद्द करा देते हैं तो जितना इस पे पॉजिटिव आएगा, सपोज एक्स पॉजिटिव चार्ज आ गया, प्लस एक्स आ गया, ऐसा बोल दो प्लस एक्स, तो उतना इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ गया। तो अब यहां पे कितना चार्ज आएगा, यहां पे सॉरी क्यू वन था, ये क्या है क्यू टू, अब यहां पे कितना चार्ज आया, एक्स माइनस एक्स, खत्म, कितना हो गया जीरो, यानी कि जितना चार्ज पहले था उतना चार्ज हमारा क्या है, अभी भी है, तो इसका मतलब चार्ज क्या है, चार्ज इज कंजर्व, हमारा लेकिन जो चार्ज होगा कैसा हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, बहुत ईजी था। ठीक है, देखो पहले जीरो था चार्ज और रब कराने के बाद भी चार्ज कितना है, जीरो ही है ना, जितना चार्ज हमारा रब कराने के पहले था उतना चार्ज क्या है, अभी भी है, तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, इसका मतलब ये समझ सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या है, कंजर्व है। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में है क्या चीज वो समझते हैं, फोर पॉइंट चार्जेस क्यू ए गिवन, क्यू बी गिवन, क्यू सी गिवन एंड क्यू डी गिवन, आर लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर एबीसीडी ऑफ साइड, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ वन माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम ध्यान से देखते हैं, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो देखिए आपके पास एक स्क्वायर दिया था, टू है यहां पे, प्लस टू है यहां पे, कितना है माइनस फाइव, यहां पे भी कितना है फाइव है। देखो एक आपके पास एक स्क्वायर स्टूडेंट, स्क्वायर तो लिखना चाहिए, ये देखो
ये स्क्वायर है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी। यहां पे 2 माइक्रोकुलम चार्ज, यहां पे 2 माइक्रोकुलम चार्ज, यहां पे -5 माइक्रोकुलम चार्ज, यहां पे -5 माइक्रोकुलम चार्ज। और इसका जो सेंटर है, सेंटर पे भी शायद कोई चार्ज गिवन है। तो इसमें सेंटर पे कितना चार्ज है, वो है 1 माइक्रोकुलम। यहां पे जो चार्ज है वो कितना है, 1 माइक्रोकुलम। अच्छा ये देखो, यहां से इनके बीच का डिस्टेंस सेम, इनके बीच का डिस्टेंस, तो प्लस ये भी प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, रिपल फोर्स लग गया। या फिर इधर क्या हो जाएगा, एफ सी। जितना एफ ए है, जितना एफ ए उतना क्या हो जाएगा एफ सी। आपको पता चल रहा है ना, डिस्टेंस सेम है यार और चार्ज भी सेम है। देखो जितना चार्ज यहां उतना चार्ज यहां, जितना चार्ज यहां पे दोनों के लिए सेम है। तो एफ ए क्या हो गया, एफ सी के इक्वल हो गया। अब ऐसे देखो यहां पे, ये इनके बीच अट्रैक्शन होगा एफ बी, और इनके बीच भी अट्रैक्शन होगा एफ बी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। देखो डायरेक्शन क्या, इनका अपोजिट है, यानी कि एफ बी कल टू क्या हो गया, माइनस माइनस एफ डी। डायरेक्शन क्या, इनका उल्टा है, वेक्टर लगाना पड़ेगा, एफ बी कल टू माइनस वेक्टर डी। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल हमारा कहता है कि वेक्टर जो होता है वो वेक्टर एफ ए प्लस वेक्टर एफ बी प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी। तो वेक्टर एफ कितना हो जाएगा, वेक्टर एफ ए किसके इक्वल है, माइनस वेक्टर एफ सी के, माइनस वेक्टर एफ सी प्लस एफ बी कितना है, माइनस वेक्टर एफ डी। तो माइनस यहां पे कर दो, प्लस वेक्टर एफ सी प्लस वेक्टर एफ डी, खत्म हो गया। तो नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो। मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर स्क्वायर हो, चाहे वो अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, तो उसके सेंटर पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए, या फिर कह सकते हैं फोर्स की बात की जाए, तो जो हमारा फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो जीरो ही आता है। तो आप इसको टेक्निक को दिमाग में रख लो कि अगर मैं सेंटर की बात करूं, चाहे वो ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, चाहे वो स्क्वायर हो, तो सेंटर में हमेशा फोर्स होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो मुझे लगा समझ में आया होगा, ये दोनों, ये इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल था, बस उनका साइन क्या था, अपोजिट, यानी कि दर्शन का उल्टा था, मैंने ऐड कर दिया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, वैल्यू कितना आ गया, जीरो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर जो 17, जो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो उसकी प्रॉपर्टी से जब ये रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी में। तो अगर आपने क्या किया, उस लेक्चर को नहीं देखा है, आप जाके वहां पे देखिए लेक्चर को, ठीक है, तब आपको मजा आ जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और मैं आपको बता दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है वो कभी नहीं काटती है, क्योंकि जहां पे काटती है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन होगा, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटीन्यूअस कर्व होती है, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं पे ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने का मतलब यह है कि देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, उस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रीजन में होता है। अब मैं यहाँ पे चार्ज बना दूंगा, कह दूंगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा संभव नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा, चाहे वो कम या ज्यादा कुछ ना हो, वो अलग चीज है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ऐसे नहीं कि यहां से प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगा और फिर कट करके फिर यहां से निकलता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, जिसको मैंने क्या किया, लेक्चर में बताया। तो अगर आपने क्या किया, उस लेक्चर को नहीं देखा है, तो प्लीज आप जाइए वहां पर देखिए, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि 2 पॉइंट चार्ज क्यूबिकल टू +3 माइक्रोकुलम्स, क्यूबिकल टू -3 माइक्रोकुलम्स आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम, वैक्यूम में है, तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ओ ऑफ द लाइन ए बी ज्वाइन द 2 चार्ज। ओके बच्चा, ठीक है, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। 3 माइक्रोकुलम्स यहां पे था और एक यहां पे है -3 माइक्रोकुलम, और इनका मिड पॉइंट क्या हो गया, ओ हो गया। तो इनके बीच का शायद कुछ सेपरेशन भी दिया है, मुझे लगता है सेपरेशन के बीच का दिया 20 सेंटीमीटर,
कितना सेंटीमीटर, 20 में सेंटीमीटर, ये मिड पॉइंट जब हो गया तो ये हमारा कितना हो गया 10, ये क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा देखो ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा बाहर, तो A1 हो गया। तो A1 निकालना चाहिए हम लोग को K Q अपॉन R स्क्वायर, ये होता है। तो A1 इक्वल टू K कितना 9 × 10⁻¹, चार्ज कितना 3 μC, सो 3 × 10⁻¹⁶। आर कितना 10 सेंटीमीटर, इसको चेंज करो मीटर में तो कितना आएगा 10⁻¹ होल स्क्वायर, तो ये हमारा A1 आ जाएगा। और सिमिलरली ये माइनस चार्ज है, ये क्या हो जाएगा A2। तो देखो A1 क्या हो जाएगा A2, A2 आ जाएगा। और A1 = A2 जो है, जो आपको A1 = A2 दिया है उसको सॉल्व करने पर जो आपको मिलेगा, A1 = A2 जो आपको दिया है स्टूडेंट, उसको सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 2.7 × 10⁻¹, 2.7 × 10⁻¹, यानी कि 2.7 × 10⁻¹ न्यूटन पर कूलम्ब होगा, दोनों बराबर होगा। क्यों भाई? क्योंकि चार्ज भी सेम और डिस्टेंस भी क्या सेम है। अब मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में, लेक्चर में बताया था कि जब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही तरफ आते हैं तो उनको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल टू हो जाएगा E1 और प्लस E2, तो ऐड कर लेंगे दोनों को, तो 5.4 × 10⁻¹ न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है। तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ एक बार इसमें और कह रहा था कि शायद इसी सेंटर पे कोई चार्ज रिप्लेस किया जा रहा है, इसके सेंटर पे एक चार्ज है 1.5 × 10⁻¹⁹, यहाँ पे चार्ज है 1.5 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब्स, तो इस पे कितना फोर्स लगेगा, तो आप उसको यह बता सकते हैं कि F = क्या होता है QE, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है F = क्या हो गया QE। तो चार्ज हमारा कितना गिवन है 1.5 × 10⁻¹⁹, 1.5 × 10⁻¹⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड रख देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन टेल मी, आप कमेंट बॉक्स बना हुआ है वहां पे आप कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, ठीक है। और लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये है कि दो चार्ज है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस गिवन है, ठीक है। 0 0 15 है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये क्या है जेड एक्सिस, एक यहां पे चार्ज है 0 0 15 ये रखा है और एक चार्ज यहां पे है 0 0 −15 पे, ठीक है। और यहां पर जो ऊपर जो चार्ज रखा है वो 2.7 × 10⁻¹⁷ है, लेकिन नेगेटिव करके −2.5 × 10⁻¹⁷ नेगेटिव हो गया, यहां पे पॉजिटिव 2.5 × 10⁻¹⁷, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अरे भैया टोटल चार्ज की अगर बात किया जाए, टोटल चार्ज की मैं बात कर दूं, फर्स्ट पार्ट टोटल चार्ज की बात किया जाए Q = 0, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना क्या है पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके बाद पूछ रहा है मोमेंटम की बात बताओ, देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पे कि वर्ड है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम के बारे में बात कर रहा है, तो P = क्या होता है Q × 2L, तो Q कितना गिवन है 2.5 × 10⁻¹⁷, 2.5 × 10⁻¹⁷, ठीक है। ये हो गया और साइन नहीं रखते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब 12 कितना 15 यहाँ पे 15 यहाँ पे, तो 15 कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, तो 30 × 10⁻¹⁐, ठीक है। ये आपका जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, तो कितना आएगा 0.75 × 10⁻¹⁷ कूलम मीटर, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम, ओके। तो क्या करना था, कुछ करना नहीं था, चार्ज पूछा था थोड़ा चार्ज जीरो हो जाएगा क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव। मोमेंटम यार मतलब क्या पता चल रहा है कि आपको यहाँ पे डायपोल बन रहा होगा, देख रहे होगे आप लोग, एक डायपोल यहाँ पे एक डायपोल यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है ना।
इस तरीके से डायपोल मोमेंटम की तरह आप लोगों को दिख रहा होगा। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर हम देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 ये है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल विथ डायपोल मोमेंटम दिस कूलोमीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 5×10⁴ न्यूटन पर कूलम, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। देखो आप लोग कि यहां पे यार इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और पी गिवन है और थीटा गिवन है, आपसे पूछ रहा है टॉर्क कितना होगा, शायद नहीं लगता टॉर्क पूछ रहा है, ठीक है हाँ टॉर्क पूछ रहा है। तो यार सिंपल सा फॉर्मूला, टॉर्क इक्वल टू क्या, पी साइन थीटा। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं आराम से, ठीक है। टॉर्क तो इक्वल टू क्या हो गया, पी साइन थीटा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अ पॉलिथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज। यानी कि एक पॉलिथीन पीस को क्या किया गया है, वूल से रब्ड कर दिया गया, उस पर चार्ज गेन हो गया कितना, 3.2×10⁻⁷ कूलम। भैया 3.2×10⁻⁷ कूलम चार्ज क्या हो गया, गेन हो गया। तो कह रहा है कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, तो भैया लगाओ क्यू इक्वल टू एनी, तो 3.2×10⁻⁷। यहां से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन हमारा ट्रांसफर हुआ होगा। अब फिर करें कि इस देयर इज देयर आर ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ओल टू पॉलिथिन, यस यस। मैं आपको बता दें लेक्चर में कि अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके साथ साथ कौन जाता है, मास भी क्या होता है, ट्रांसफर होता है। तो राइट करेंगे क्या, यस देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम ओल टू पॉलिथिन, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, मास भी होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा मास से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट, इसको मैं सॉल्व कर चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसको सॉल्व किया जा रहा है, हो चुका है सॉल्व, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 15 को भी मैं क्या कर दिया हूं, सॉल्व कर चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 15 भी इसको मैं लेक्चर में बताया हूं, सॉल्व कर चुका हूं, और मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया भी होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 16 और 15 की अगर मैं बात करूं तो सेम है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा देख लेते हैं कि एक सरफेस रहा होगा और उस सरफेस के पास कितना फ्लक्स था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में फ्लक्स गिवन है, आपसे चार्ज पूछ रहा है। देखो फ्लक्स गिवन है, क्वेश्चन पढ़ी स्क्रीन पे, फ्लक्स गिवन है कितना, 8.0×10³। 8.0×10³। आपसे पूछ रहा है चार्ज कितना होगा, तो आप से निकाल सकते हैं कि बिकॉज आपको पता है गॉस थ्योरम से 5×Q/0, तो Q/0 5E/0। तो ये फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, आप क्या कर सकते हैं, इसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।